नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। फिल्म आ रही है पद्मावती, 1 दिसंबर की रिलीज की तारीख है। रिलीज होगी नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा लिए चलता हूं आपको, बात लिए चलता हूं 27 जनवरी पर। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, वो ये करता धरता, और उनकी जब भी फिल्म आती है तो कुछ ऐसा ही ड्रामाबाजी दबा के होती। तो 27 जनवरी की बात कर रहा था, 27 जनवरी को एक ड्रामेबाजी हुई थी संजय लीला भंसाली की, कनपटी करणी सेना के कुछ लोगों ने जाके तोड़ दी, बहुत मारा। मारने के बाद भाई बात आई कि पद्मावती का आप अपमान कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक सपना या एक ड्रीम आप दिखा रहे हैं जिसमें वो बेड पर है, और इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, संजय लीला भंसाली पर गुस्सा निकाल दिया इन करणी सेना के लोगों ने, इनके चमचों ने, या जो भी हैं मैं नहीं जानता। उसके बाद लगा ये मामला थम जाएगा। अब जैसे जैसे रिलीज की तारीख आगे बढ़ रही थी, शूटिंग खत्म हो रही थी, एडिटिंग पर पिक्चर जा रही थी, तो विरोध बढ़ता गया। कहीं पुतले जलने लगे, कहीं पोस्टर जलने लगे, कहीं जो मिला उस पर कि भाई 2 करोड़ रुपए का इनाम है, इसका सर लियाओ। जैसा दीपिका पादुकोण करनी सेना के लोग कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण का सर लियाओ, 2 करोड़ रुपए ले जाओ, उसका सर लियाओ, इतने पैसे ले जाओ। आज किसी कोई है फिल्म स्टार या फिल्म के डायरेक्टर या करता धरता हैं कोई जो बॉलीवुड में ही काम करते हैं वहीं पर, और वो क्या कह रहे हैं कि जाकर प्रधानमंत्री पर कोई जूता फेंक दो, जूता थ्रो करो और 1 लाख रुपए ले लो। चलो कोई बात नहीं, यहां तक भी ठीक है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का कोई गलत फायदा उठा लेगा कोई, सही कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि राजस्थान के नाहरगढ़ जिले में एक किला है, और किले के पास एक लाश टंगी हुई मिली। चलो कोई दिक्कत नहीं, यह भी ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी बात सीरियस है। जिस पद्मावती का विरोध लगातार चलता आ रहा था, अब वो खूनी मोड़ पर पहुंच चुका है। क्या सवाल यह है, क्या बदल गई है क्या ये अब जो धमकी देने वाले लोग अब ये जान लेने पर उतर आए क्या, और किसकी जान ले रहे हैं आप, कौन है वो, हम नहीं जानते। मैं वो जरा तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जरा मेरे कंप्यूटर पर आओ, मैं कंप्यूटर पर वो तस्वीर दिखा दूं। ये देखो, ये नाहरगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ का कोई किला है, ये दिख रहा होगा आपको कैमरे में, जहां पे मैं उंगली से दिखाता हूं, ये दिख रहा है ना आपको, ये ही है वो शख्स, ये वो शख्स है जिसकी लाश टांग दी। हिंदुस्तान में भी अब ऐसा होने लगा, पहले तो हम सुनते थे ये पुलिस वाले खड़े हैं अपनी छानबीन यहां पर कर रहे हैं। पुलिस तो कह रही है कि भाई ध्यान भटकाने के लिए किसी ने ऐसा करा होगा, चलो कोई बात नहीं। अब जरा वो जो कहानी पत्थर पर लिखकर चले गए वो लोग जिन्होंने ऐसा करा है, उनकी कहानी जरा आपको बता देता हूं। लुटेरे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे हैं, एक एक कर 10 पर भारी हैं, चेतन तांत्रिक मारा गया पद्मावती। ये जो पद्मावती है ना, बस ये सब कुछ, ये समझो आप पद्मावती है सब कुछ। हम सिर्फ पुतले नहीं जलाते पद्मावती, है ना, समझ रहे हो आप बात। ये देखो, हम सिर्फ पुतले नहीं जलाते पद्मावती, ये 4 पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई है, 2-3 ये फोटो, ये समझने के लिए काफी है। हम सिर्फ पुतले नहीं जलाते लटकाते पद्मावती, मतलब ये पुतले नहीं लटका रहे। अब क्या है कि ये जान भी लेने पर उतारू हो गए। अब ये कौन लोग हैं, करणी सेना वाले तो कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं हैं, और जिसने भी ऐसा करा वो निंदनीय है, उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा करी जाए उतना कम है। लेकिन ये हैं कौन, कौन हैं ये लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और क्या अभी एक शख्स की जान गई है, अब इसमें और भी इस तरह से होगा, मतलब पद्मावती के नाम पर और इसको बदनाम करने के लिए अब पता नहीं क्या क्या होगा। पहली बात तो जिन लोगों ने पिक्चर देख ली, संजय लीला भंसाली ने 2 बड़े लोगों को या बड़े पत्रकारों को, बड़े संपादकों को ये पिक्चर दिखाई है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अरे जब इसमें है नहीं तो ये सब कुछ हो क्यों रहा है, और हमारी सरकार क्यों चुप है, सरकार इस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही, सवाल ये भी सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि जूता मारो 1 लाख रुपए ले, अब ये इस तरह की बातें आ रही। आगे अगर ऐसी खबर आए
तो अब चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देश के लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें होती रहेंगी, क्योंकि लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया कुछ लोगों ने। आप अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। आम हिंदुस्तानी बनकर अब हम आम बातें करेंगे। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी है वीडियो आपको तो इसे शेयर कीजिए, लाइक का बटन जरूर कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए अभी के अभी। और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में जल्दी। जय हिंद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।